बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। हज़रत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान शख्स की अपने मुसलमान भाई के लिए वो दुआ कबूल होती है जो इसकी गैर मौजूदगी में की जाती है, और दुआ करने वाले के पास एक फरिश्ता मामूर होता है। जब वो अपने भाई के लिए दुआ खैर करता है तो वह मामूर फरिश्ता आमीन कहता है और कहता है, इसी मिसल तुम्हारे लिए भी हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, शबे कदर को रमदान के आखिरी अशरा की ताक रातों में ढूंढो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमदान के रोजे ईमान और एहतसाब हुसूल अजर सवाब की नीयत के साथ रखे, इसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, और जो लैलतुल कद्र में ईमान और एहतसाब के साथ नमाज में खड़ा रहे, इसके भी पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम के चंद असहाब को शबे कदर ख्वाब में रमदान की 7 आखिरी तारीखों में दिखाई गई थी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे सब के ख्वाब 7 आखिरी तारीखों पर मुत्तफिक हो गए हैं, इसलिए जिसे इसकी तलाश हो वो उसी हफ्ता की आखिरी ताक रातों में तलाश करें। तो दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन अहादीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।